तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मिर्जापुर के तीसरे सीजन में मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। देखिए, काफी सारी वीडियोज और न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि तीसरे सीजन में मुन्ना भैया नहीं होंगे, जिस पर खुद कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा। और बात करेंगे गुरु रंधावा की कॉपी सॉन्ग के बारे में। गुरु रंधावा ने जैन मलिक का एक सॉन्ग कॉपी किया है। और साथ ही साथ बात करते हैं आदित्य नारायण के वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें उन्होंने अपने एक फैन से लाइव शो के दौरान बदतमीजी की। इसके बाद लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, आदित्य नारायण उदित नारायण के बेटे हैं। आदित्य नारायण का ये वीडियो एक कॉन्सर्ट का है, जिसमें उन्हें एक फैन को मारने की कोशिश करते हैं, उसका फोन फेंकते हैं। देखा जा सकता है यह वीडियो छत्तीसगढ़ के एक कॉलेज इवेंट का बताया जा रहा है। वैसे इस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, जब एक इंटरव्यू में गुरु रंधावा से यह पूछा गया कि उन्होंने जैन मलिक का एक सॉन्ग कॉपी किया है, जिस पर गुरु रंधावा ने ये कहा, मैंने जैन मलिक का कौन सा म्यूजिक कॉपी करा है? अगर करा भी है तो अच्छे बंदे का म्यूजिक कॉपी करा है। वो मुझे लगता है मैंने जैन मलिक का म्यूजिक कॉपी करा हो, बट अगर करा भी हो तो कोई बात नहीं। देखो, यू आपको इंस्पायर, मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पता सच्ची में, क्योंकि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं एड्रेस करता इस चीज को, बट मुझे लगता है मैंने जैन मलिक का कभी कोई म्यूजिक कॉपी करा यार। और अगर करा भी हो तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे लोगों का म्यूजिक कॉपी करना चाहता हूँ लाइफ में। अगर मैं किसी इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ वैसा क्रिएट करूँ। और उसके ऊपर 500 मिलियन आए या उसके ऊपर 10 मिलियन आए या 1 मिलियन आए, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि मैंने वो काम करा है, वो तो ऑडियंस के ऊपर है। बट मैं आपसे इंटरव्यू के बाद जानना चाहता हूँ, मैं आर्टिकल देखना चाहता। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सा गाना है। गुरु रंधावा का गाना तारे जवाब में से बहुत ही कम लोगों ने सुना है, और जैन मलिक का सॉन्ग इट्स यू, इन दोनों सॉन्ग की काफी सारी चीजें सिमिलर हैं, जिसमें इट्स यू सॉन्ग 2016 में और तारे सॉन्ग 2017 में रिलीज किया गया है। और अब बात करते हैं पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन को लेकर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं काफी सारे वीडियोज में ऐसा बताया जा रहा है कि इसके तीसरे सीजन में मुन्ना भैया देखने को नहीं मिलेंगे। मिर्जापुर 3 कब आएगी? इस साल के में आ जाएगी, अमेजोन प्राइम उसका डेट अनाउंस कर देगा। करेक्ट, हमें भी सच में मुझे भी ज्ञात नहीं है। मैं अपनी डबिंग करके आ गया, मैं डबिंग भी करके आ गया हूँ अपनी। ये मुन्ना है या इसके लिए अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा जब हमारा शो आएगा। बहुत लोग कहे कि मुन्ना कान पकड़ के, कालीन भैया कान पकड़ लेना चाहिए था, मुन्ना भैया के लिए आइएगा जैसे भी। जो कि अब काफी सारी रिपोर्ट में धीरे धीरे कन्फर्म हो रहा है कि इसके तीसरे सीजन में मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर इसके तीसरे सीजन में मुन्ना भैया नहीं होंगे तो इसकी कहानी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे आपको मिर्जापुर का कौन सा करेक्टर पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब।